मैं आपको बताऊंगा कि आप HTML के थ्रू इमेज को अपने वेब पेज के अंदर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको VS कोड डाउनलोड करना पड़ेगा, अगर ऑलरेडी आपके पास है तो आप इसे ओपन कीजिए। मैंने इसको ओपन कर लिया। अभी यहाँ पे एक नई फाइल को अपने क्रिएट करेंगे। मैं ये न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ और टेक्स्ट फाइल को मुझे चूज करना है। सबसे पहले आपको इसको सेव करना पड़ेगा, फाइल को सेव कर लीजिए। मैंने कंट्रोल एस किया, इमेज को सेव कर रहा हूँ मैं अपने इस फोल्डर के अंदर इमेज 2.html नाम से, और इसको मैंने सेव कर दिया। अभी आपको यहाँ पे HTML डालना है और नीचे आपको ये सजेशन दे देगा पूरा कोड, और ये आपके पास एक HTML की ब्लैंक फाइल बन गई है। और यहाँ पे मैं इसका टाइटल चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया, टाइटल ऐड कर दिया। अभी अपने इस फाइल को ओपन करके चेक करते हैं। तो मैंने इस फाइल को ओपन किया, अभी मेरे पास मैंने कुछ भी नहीं डाला बॉडी के अंदर, तो मुझे ये ब्लैंक दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे यूज करूँगा इमेज को इंसर्ट करने के लिए इमेज टैग जी, और यहाँ पे SRC सोर्स, उसके बाद एडिट, ठीक है, और उसके बाद विड्थ। विड्थ का काम आती है अपनी इमेज की साइज को छोटा बड़ा करने के लिए। इसको बंद कर दिया और मेरे पास इमेज है, इमेज मेरे पास इस फोल्डर के अंदर है, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। अभी कल्ट के अंदर कल्ट क्या यूज करता है, जब आपके पास मान के चलो मैंने इस फाइल को यहाँ से इसको रिमूव कर दिया, अभी ये फाइल मेरे पास फोल्डर स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट नहीं करती है, तब ये तब अल्ट का वर्क होगा, अल्ट तब शो करेगा उस टेक्स्ट, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया हाउ टू, तो अभी मेरे पास वो इमेज नहीं है, हाउ टू मुझे शो हो रहा है, ठीक है। तो मैं भी इस इमेज को वापस वैसे कर देता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट इमेज में डाल दिए, फिर ये इमेज मुझे शो होगी। अभी इस इमेज को मुझे छोटा करना है, विड्थ लेवल ऑलरेडी ऐड कर रखा है, फिर यहाँ पे मैं 100 की विड्थ डाल दूँ, तो इसको रिफ्रेश करते ही ये छोटी होगी, ठीक है। इस टाइप से आप इमेज को HTML के अंदर इंसर्ट कर सकते हो IMG टैग के थ्रू।